क्या आपको बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने में प्रॉब्लम आता है? बुलियन अलजेब्रा वर्ड से अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आज के इस लेक्चर में कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं उसको बहुत ही सिंपलीफाइड वे में आपके सामने में रखने वाला हूं। सो वेलकम टू दिस वीडियो। ये बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक बहुत सी इंजीनियरिंग ब्रांच में फंडामेंटल टॉपिक होता है। इसको समझने के बाद आपको बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बुलियन अलजेब्रा क्या है उसकी फंडामेंटल बातें, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद एक सेट ऑफ रूल्स आपके सामने रख दूंगा। वो सेट ऑफ रूल्स जानने के बाद जो भी बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर LHS equal to RHS प्रूव करने वाले आपके बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बुले इन 1854 AD। इट इज यूज्ड टू सिंपलीफाई बुलियन एक्सप्रेशंस। बुलियन एक्सप्रेशंस यानी लॉजिक एक्सप्रेशंस। इट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मैथमेटिक्स एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ये डिजिटल मैथमेटिक्स का पार्ट है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। आपने स्टूडेंट्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा जहां पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब का कुछ आइडेंटिटी भी आपको आती होगी। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स का यूज करके आप लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो। तो यहां पे भी बुलियन अलजेब्रा में भी हम वेरिएबल्स को ही यूज करेंगे बट इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। कैसे ये डिफरेंट है वो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो वेरिएबल्स कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1। बुलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स यूज करेंगे उनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 को हम लो लॉजिक से बताते हैं, 1 को हम हाई लॉजिक से बताते हैं। सो वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन बुलियन अलजेब्रा कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1। एंड आल्सो देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक ऑपरेशंस इन बुलियन अलजेब्रा। फर्स्ट, एंड ऑपरेशन जिसको हम बताते हैं ए डॉट बी सी। व्हाई इज The notation for output. So, दो यहां पे variables use किए गए हैं, A and B. A, B का ending operation. उसको हम बताते हैं A dot B C. Next, second is OR operation. जिसको हम बताते हैं A plus B C. ये ORing operation, ये जो logic operation है, इसके लिए हम notation use करते हैं plus का. जैसे ending operation के लिए हम dot का notation use करते हैं, ऐसे ही ORing operation के लिए हम प्लस का नोटेशन यूज करते हैं। सो और लॉजिक ऑपरेशन मींस ए प्लस बी। एंड थर्ड इज नॉट ऑपरेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय वाई इक्वल टू वाई बार और वाई कॉम्प्लीमेंट और वाई इनवर्ट। यानी कि अगर वाई की वैल्यू 0 होगी तो वाई बार हो जाएगा 1 और अगर वाई की वैल्यू 1 होती है देन वाई बार हो जाएगा आपका 0। सो दिस आर 3 फंडामेंटल लॉजिक ऑपरेशंस। तो चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, अभी मेन बात पे आते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स जो मैं बताऊंगा अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और बिल्कुल उसको दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि ये जो सेट ऑफ रूल्स आप याद करोगे उसको यूज करके कोई भी बड़े से बड़ा बुलियन एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये सेट ऑफ रूल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रॉपर्टीज, दूसरा है सर्टेन लॉज एंड थर्ड इज सर्टेन थ्योरम्स। सो दिस सेट ऑफ रूल्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकंड लॉज एंड थर्ड थ्योरम्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है? प्रॉपर्टीज में भी मैंने बहुत उसको कन्फाइन करके सिर्फ 3 प्रॉपर्टी में आपको आपके लिए मैंने सेपरेट कर दी, क्योंकि
क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये सब सेट ऑफ रूल्स को यूज करके आप डिराइव कर सकते हो। तो बिल्कुल उसको याद करने के लिए बहुत आपकी एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लीजिए, सेट ऑफ लॉज एंड सेट ऑफ थ्योरम्स दिमाग में रख लीजिए, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने आप डिराइव कर पाओगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक बात बता दूं आपको स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टीज है तीन प्रॉपर्टीज, तीनों के लिए और में एक प्रॉपर्टी का एक एक्सप्रेशन है और एंड ऑपरेशन के लिए भी एक एक्सप्रेशन है। तीनों में देखिए कम्युनिकेटिव में भी और एंड के लिए एक्सप्रेशन है, एसोसिएटिव में भी एंड और के लिए एक्सप्रेशन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में भी और एंड दोनों के लिए एक्सप्रेशन है। ये छह एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको दिमाग में अच्छे से बिठा देने हैं। यस, फर्स्ट इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट और ऑपरेशन के लिए क्या होगा, और मींस प्लस साइन, ये याद रखिए, और मींस प्लस साइन, एंड मींस डॉट साइन। कहीं कहीं हम डॉट नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं है, यानी ए और बी ऐसा है तो उसको हम डॉट मान के चलते हैं। तो फर्स्ट और मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यस स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इट फॉलोज इन बूलियन अलजेब्रा वेरिएबल्स फॉलो कम्युनिटिव प्रॉपर्टीज, मींस ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। ऑल्सो एंड ऑपरेशन के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आप ए बी करो या बी डॉट ए करो, यानी ए बी का एंडिंग करो और फिर बी ए का एंडिंग करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी फर्स्ट और ऑपरेशन के लिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले आप बी प्लस सी का ओरिंग करो फिर ए के साथ ओरिंग करो, या फिर ए बी का ओरिंग करो और फिर सी के साथ ओरिंग करो, तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर और ऑपरेशन। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एंड ऑपरेशन इज लाइक दिस, ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी, यानी b dot c पहले करो, b dot c पहले करो का मतलब होता है बूलियन अलजेब्रा में b और c का एंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, b और c का एंडिंग करने के बाद, यानी b dot c का रिजल्ट निकालने के बाद आप a में उसका एंडिंग ऑपरेशन करो, या फिर a और b का एंडिंग ऑपरेशन करने के बाद वेरिएबल c के साथ उसका एंडिंग ऑपरेशन करो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें भी और ऑपरेशन के लिए क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, प्लीज इसको थोड़ा फोकस करिए, रिक्वेस्ट करूंगा। यहां पे ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें डाउट होता है, तो प्लीज आप अच्छे से इसको समझिए। और ऑपरेशन के लिए a plus bc is equal to a plus b into a plus c, यानी कि a जो है वो b के साथ भी जाएगा, a c के साथ भी जाएगा। तो a जब b के साथ जाता है तो हो जाता है a plus b, a जब c के साथ जाता है तो हो जाता है a plus c। So this is distributive property for OR operation. a plus bc is equal to a plus b dot a plus c। यहाँ पे दो ब्रैकेट के बीच में क्या है, डॉट है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन होगा, आपका एंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, a plus b को क्या बोलेंगे, a और b का ओरिंग ऑपरेशन, यहाँ पे a plus c का ओरिंग ऑपरेशन, और इन दोनों ब्रैकेट का, इन दोनों जो भी लॉजिक मिलेंगे उनका आपको करना है एंडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एंडिंग ऑपरेशन, a dot b plus c is equal to ab plus ac, यानी कि a जो है वो b के साथ भी जाएगा, a जो है वो c के साथ भी जाएगा। फिर से मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, a जो है वो b के साथ भी जाएगा, a जो है वो c के साथ भी जाएगा, यानी कि a dot b plus a dot c। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एंड ऑपरेशन। स्टूडेंट्स और एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर और ऑपरेशन क्या होगा, a plus bc is equal to a plus b into a plus c, और एंड ऑपरेशन के लिए क्या होगा, a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। इसको याद करने के लिए सिंपल आप ये सोचिए, a जो है वो b के साथ भी जाएगा, a जो है वो c के साथ भी जाएगा। सेम वे और एंड ऑपरेशन के लिए भी a जो है वो b के साथ भी जाएगा, a जो है वो c के साथ भी जाएगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, यानी कि रिजल्ट आपको
सेम मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपको सेम मिलता है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हुई, मींस बुलियन अलजेब्रा में जो एक्सप्रेशन है दैट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टीज लाइक एब्जॉर्प्शन एंड कंसेंसस प्रॉपर्टी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज सेट ऑफ रूल्स। तो दूसरी प्रॉपर्टीज आपने अगर सुना है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी या कंसेंसस प्रॉपर्टी के बारे में, वो इस सेट ऑफ रूल्स से आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉज प्रॉपर्टीज हो गई है, नेक्स्ट सर्टेन लॉज हम जानेंगे। इस लॉज को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट है व्हिच इज सेम एज लीनियर अलजेब्रा, यानी ये जो सेट ऑफ लॉज है दे आर सिमिलर टू लीनियर अलजेब्रा इन मैथमेटिक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे कि कोई भी लॉजिक में जीरो ऐड करने से वो लॉजिक ऐसा ही आपको आउटपुट में मिलेगा, जैसे वेरिएबल में आप जीरो ऐड करो कोई भी वेरिएबल में तो आंसर वो वेरिएबल वही मिलता है। तो ऐसे a plus 0 is equal to a, क्या रखे स्टूडेंट, कोई भी लॉजिक में जीरो ऐड करने से वो वेरिएबल वो लॉजिक यू का तू ही आपको मिलेगा आउटपुट में। ऐसे ही a dot 1 equal to a, कोई भी लॉजिक को जब 1 के साथ आप कौन सा ऑपरेशन एंडिंग ऑपरेशन करते हो, दिस इज कॉल्ड एंडिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल a एंड 1 लॉजिक, तो आपको आउटपुट ऑलवेज a मिलेगा। ऐसे ही कोई भी लॉजिक को आप 0 के साथ एंडिंग करोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। आपको पता है लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम यहां पे भी लॉजिक चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने से वो आंसर चेंज नहीं होता है, तो सेम यहां पे भी कोई भी लॉजिक को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी एंडिंग करोगे तो आपको आंसर वो ही मिलेगा, सेम लॉजिक ही रहेगा आपका। और किसी भी लॉजिक के साथ अगर आप 0 का एंडिंग करते हो तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, इट इज सेम एज लीनियर अलजेब्रा, बट देयर आर सम रूल्स व्हिच आर नॉट सेम एज लीनियर अलजेब्रा लाइक दिस a plus 1 इज इक्वल टू 1, किसी भी लॉजिक में 1 लॉजिक ऐड करने से आंसर आपको 1 मिलता है। लीनियर अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है, किसी भी वैल्यू में 1 ऐड करने से उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, किसी भी लॉजिक में 1 ऐड करने से वो लॉजिक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद a dot a that is equal to a means a वो a का एंडिंग ऑपरेशन, कोई भी एक वेरिएबल का सेम वेरिएबल से एंडिंग ऑपरेशन करते हो तो आंसर आपको वो वेरिएबल ही मिलता है, यानी कि लीनियर अलजेब्रा की तरह यहां पे a dot a equal to a square जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही a plus a होगा आपका a, किसी भी वेरिएबल में वो वेरिएबल अगर आप उसका ओरिंग ऑपरेशन करते हो ठीक है तो आपको आंसर में वो वेरिएबल ही मिलता है। यहां पे a plus a equal to 2a जैसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट यहां पे कॉम्प्लीमेंट का एक रूल होता है, जैसे इसको हम ये बात से बताते हैं, अगर ये हमारा एक लॉजिक है तो उसके कॉम्प्लीमेंट यानी ये अगर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, इसको हम बताते हैं a बार से, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे a बार। सो a plus a बार दैट इज इक्वल टू 1, कोई भी एक वेरिएबल a उसमें अगर हम a बार के साथ ओरिंग करेंगे तो आंसर आपको ऑलवेज 1 मिलेगा। नेक्स्ट कोई भी वेरिएबल का उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एंडिंग ऑपरेशन होता है, देखिए यहां पे a और a बार का एंडिंग ऑपरेशन है जिसको हम a डॉट a बार से बताते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको 0 मिलता है। ये दो रूल्स को आप अच्छे से याद रखिए, कोई भी वेरिएबल का उस कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप ओरिंग करते हैं तो आंसर 1 मिलता है, यानी कि a plus a बार इक्वल टू 1, और कोई भी वेरिएबल का उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप एंडिंग करते हैं यानी a dot a bar that is equal to 0, a plus a bar 1, a dot a bar 0, a plus a bar 1, a dot a bar 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आपको याद रखना है। इसके बाद आगे करते हैं बात थ्योरम से, थर्ड और लास्ट पार्ट जो है जो आपको हेल्प करेगा बुलियन लॉजिक के बुलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन में, वो है आपका आपके थ्योरम जिसको हम जानते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से। तो डी मॉर्गन थ्योरम के भी दो पार्ट है,
फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, और सेकंड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। पहले मैं आपको बता दूं ये थ्योरम्स कहां यूज होते हैं, जो भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हो बूलियन एक्सप्रेशन का उसमें कहीं पे भी अगर कुछ वेरिएबल्स का एक होल बार दिया हुआ है, कुछ वेरिएबल्स जो एक साथ है, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स एक साथ अगर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ऐसे जितने भी वेरिएबल्स आपके प्लस से जुड़े हुए हैं, प्लस को हम किससे जानेंगे, प्लस को हम जानेंगे ओरिंग के साथ, तो यहाँ पे दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स का अगर ओरिंग ऑपरेशन का होल बार दिया हुआ है तो उसको आप सेपरेट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार एंड सो ऑन। तो चेंज क्या हुआ, होल कॉम्प्लीमेंट्स में इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में आपने कन्वर्ट किया, उसके उस टाइम पे आपको क्या करना है, जहां पे ये प्लस यानी कि ओरिंग ऑपरेशन है उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, एंडिंग ऑपरेशन होल बार में से जब आप इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट करते हो एक्सप्रेशन को, तब जहां पे प्लस है वहां पे डॉट लिख देना है, यानी कि जहां पे और है वहां पे आपको एंड ऑपरेशन कर देना है। सो दिस थ्योरम इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरा जो थ्योरम है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि यहां पे जनरली हम डॉट को प्रोडक्ट से जानते हैं, अदरवाइज बूलियन अलजेब्रा इट इज नोन एज एंडिंग ऑपरेशन, डॉट इज नोन एज एंडिंग ऑपरेशन। तो यहां पे दो या उससे ज्यादा वेरिएबल का एंडिंग ऑपरेशन अगर है और उसका एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, होल बार जिसको बोलते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअल बार में, और ये जो आपका डॉट यानी कि एंडिंग ऑपरेशन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ओरिंग ऑपरेशन में। सो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी एंड सो ऑन का अगर होल बार है तो वो किसके इक्वल होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार के, ठीक है। तो ये था डी मॉर्गन थ्योरम के दो थ्योरम्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज ये सेट ऑफ रूल्स अच्छे से समझ लीजिए, उसको दिमाग में बिठा लीजिए और फिर आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।